नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट निकल के आ चुकी है दोस्तों, और सैलरी भी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। और दोस्तों, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पोस्ट है और कम आपको यहाँ पे मतलब फ़ीस लगने वाली है। तो कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी सारी सैलरी मिलने वाली है, फ़ीस क्या रहेगी और लास्ट डेट क्या है, और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो पे। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बीच में स्किप मत कर लीजिए। तो दोस्तों चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो चलो मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं ये है महाजैन को की तरफ से निकली हुई नोटिफिकेशन। दोस्तों ये MSEB का एक पार्ट है, तो उसकी तरफ से निकली हुई ये पोस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकली हुई ये पोस्ट है। अब पोस्ट कौन कौन से आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक इंजीनियर की पोस्ट है। इंजीनियर की यहाँ पे 30 पोस्ट है, 30 वैकेंसीज है, और केमिस्ट के लिए यहाँ पे 30 वैकेंसीज आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन है। तो टोटल कुल मिला के 60 पोस्ट यहाँ पे हो जाती है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो इंजीनियर के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो आप देख सकते हैं इंजीनियर के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो इंजीनियर के लिए डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए और इंजीनियरिंग में मतलब BA या BTEC होना चाहिए इंजीनियरिंग में। और उसके साथ में आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे 5 साल का होना जरूरी है। आप देख सकते हैं मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन थर्मल पावर प्लांट। आपका अगर थर्मल पावर प्लांट में अगर 5 साल आपने काम किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे सेकंड जो पोस्ट है वो केमिस्ट का। केमिस्ट के लिए यहाँ पे आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपकी BSc होनी चाहिए केमिस्ट्री के साथ में, या तो फिर MSc केमिस्ट्री, या तो फिर BTEC केमिस्ट्री अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों दूसरी बात, यहाँ पर भी आपको 5 साल का यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए थर्मल पावर में। आप देख सकते हैं मिनिमम 5 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन थर्मल पावर यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपका 5 साल का यहाँ पर थर्मल पावर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई जरूर कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ यहाँ पे चलो आगे देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे इंजीनियर के लिए आप देखेंगे 40,000 पेमेंट मिल रहा है, और केमिस्ट के लिए भी यहाँ पे आपको 40,000 पेमेंट मिल रहा है। साथ ही साथ आप नीचे देखेंगे तो देखिए ग्रॉस पेमेंट के सामने आपको देखेंगे तो 40,000 के आगे मतलब 40,000 के ऊपर आपको प्लस TA मिलने वाला है, DA मिलने वाला है, ये सारी चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 200 रुपये पर मंथ यहाँ पे मोबाइल का रिचार्ज भी मिलने वाला है। तो आपको बहुत सारे पोस्ट मतलब बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे देखने को मिलती है, तो आपको यहाँ पे जरूर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों अपर एज लिमिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियर के लिए यहाँ पे 60 साल है, मतलब 60 साल के ऊपर एज नहीं होना चाहिए, और केमिस्ट के लिए भी आपका यहाँ पर जो एज है वो 60 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आपका 60 साल के अंदर अगर आपका एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों अच्छी खासी पोस्ट है, आपको लास्ट डेट देखने को मिलती है यहाँ पर। तो आपकी जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल है, 19 अप्रैल के पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट डेट 19 अप्रैल दी गई है, तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, आप ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे इंजीनियर के लिए 800 रुपये है, और केमिस्ट के लिए भी यहाँ पे 800 रुपये देखने को मिलती है। तो आपको 800 रुपये यहाँ पर फ़ीस लगने वाली है, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे। और फीस भरने के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट या ऑर्डर पे मतलब पे ऑर्डर करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, आपको डिमांड ड्राफ्ट से या पे ऑर्डर से ही पेमेंट करना है 800 रुपये का। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो डिमांड ड्राफ्ट इस नाम पे बनाना पड़ेगा महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से, इस नाम पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और वो फिर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको भेजना पड़ेगा, इस तरह से आपको करना है। दोस्तों हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया गया है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, आपको जरूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस यहाँ पर दी गई सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या क्या रहेगी वो भी आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। जनरल कंडीशंस क्या क्या रहेगी वो भी यहाँ पर दी गई है, वो भी आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। तो सारी चीज़ आपको जरूर देखनी चाहिए, मैं वीडियो में हर चीज़ नहीं बता पाऊँगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिंक दे दी है, आप नीचे लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से रहेगा, तो आपको यही एप्लीकेशन यूज़ करना है। इस जो एडवर्टाइज़ के नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसकी डायरेक्टली आप यहाँ पर प्रिंट लेनी है, और उसको यहाँ पर आपको फोटो अटैच करना है, यहाँ पर पोस्ट कोड डालनी है, पोस्ट अप्लाइड फॉर डाल देना है, नाम आगे नीचे आप यहाँ पे कैटेगरी डाल सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरीज रहेगी। उसके बाद में आपका यहाँ पे नाम आएगा फुल सरनेम के साथ में, पहले सरनेम फर्स्ट आएगा, उसके बाद में आपका नाम आएगा, वो पूरा आपको कैपिटल लेटर्स में भरना है, स्मॉल लेटर्स में नहीं भरना है। उसके बाद में आपको फुल एड्रेस यहाँ पर देना है, ईमेल आईडी के साथ में, मोबाइल नंबर के साथ में, टेलीफोन नंबर के साथ में। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस देना है, वो भी मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी के साथ में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डाल देनी है। और उसके बाद में आपको जो डोमिसाइल हो यहाँ पे है कि नहीं उसको टिक करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, आपका एज कितना हो रहा है वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है, उसके बाद में जेंडर
डालना जरूरी है, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपका मैरिटल स्टेटस जो भी है, मैरिड है या नहीं है, अनमैरिड है, डाइवोर्स है या विडो है, वो जो भी चीज़ें वो यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद में आपको बाकी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करके जॉब लोकेशन आपको डालना है, और जो जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो यहाँ पे आपको फिलअप करके फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। उसके साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के साथ में आपको ये सबमिट करना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको फुलफिल करनी है और उसके बाद में ये फॉर्म आपको सबमिट करना है। तो दोस्तों आई होप मैंने सारी चीज़ आपको कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।